ऑब्जेक्टिव शीट 26 का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है स्ट्रेट सीधा इनसाइड अ चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो ये प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर है और ये प्लस सिग्मा तो ये माइनस सिग्मा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो एक परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल एंटर करता है और जब वो एंटर करता है सिग्मा आपको गिवन है, स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज फिल्ड विद कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बी, तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें बोर्ड के अंदर है, राइट। निग्लेक्टिंग द ग्रेविटी, ग्रेविटी का कोई चक्कर नहीं, टाइम ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन कैसे गया, बिल्कुल स्ट्रेट गया। देखो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के होते हुए भी ये चार्ज पार्टिकल अगर स्ट्रेट जा रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स आपस में कैंसिल कर रही है, तो बोलो वेलोसिटी क्या होगी, ई अपॉन बी, तो वेलोसिटी ई अपॉन बी होगी, तो वेलोसिटी निकाल लोगे क्योंकि क्वेश्चन में ई और बी में बी तो चलो ऑप्शन में बी की फॉर्म में ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पुट करोगे, प्लेट्स के कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में, ई कांस्टेंट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था, कितना सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ई भी आ गया, और आपको समय बताना है यहां से यहां इलेक्ट्रॉन के आने का, तो टाइम क्या होगा, टाइम होगा इसमें लेंथ अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो लेंथ कितनी कवर्ड है एल और स्पीड क्या है वी, तो v की वैल्यू क्या होती है e बाई बी और e क्या होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ये क्या आ गया आपके पास v, इस v को यहां पुट करके टाइम ऑप्शन मार्क कर लो, तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इसमें, तो वेलोसिटी निकल गई, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड से टाइम भी निकल गया, ठीक है यहां तक। इस क्वेश्चन को करने के बाद क्वेश्चन नंबर टू, यस सर टाइम अभी कर रहे हैं, को क्वेश्चन है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर अलोंग जेड एक्सिस कैरिंग अ करंट ऑफ आई, जेड एक्सिस कहां पर है, या तो बोर्ड के अंदर या बोर्ड के बाहर है, इन अ नेगेटिव जेड डायरेक्शन, तो बी कहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, बोर्ड के अंदर, स्ट्रेट वायर बोर्ड के अंदर है करंट, द मैग्नेटिक वेक्टर फील्ड बी वेक्टर, बी वेक्टर की बात हो गया, बी वेक्टर कोई भी पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, यहां पर जेड नहीं है जीरो है, किसके इक्वल होगा, ये आंसर गलत है, ये बात पक्की है, सही आंसर नहीं है, गलत आंसर है, तो चेंज करना पड़ेगा इसे, तो क्या क्वेश्चन है, इसका आंसर बी लग रहा है आपको, देखो इस क्वेश्चन के अंदर कुछ ऐसे आपने सोचना है, आपका आपकी बात इसमें बनी जाएगी इस तरीके से अगर आप करोगे, वो भी जस्ट एक सेकंड में, वो क्या कि सपोज करो आपके पास एक, ये मान लो वाई एक्सिस है और ये मान लो एक्स एक्सिस है, करंट कैरिंग वायर ये रही और करंट इनवर्ड्स है, करंट इसमें इनवर्ड्स है, आई करंट है, ठीक है, कोई भी पॉइंट आपने लिया कहां पर, पी पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट क्या है एक्स कॉमा वाई, तो ठीक है एक्स कॉमा वाई को पॉइंट ले लिया आपने, यहां पर आपको बी वेक्टर बताना है, अच्छा वेक्टर छोड़ो मैं बोलता हूं कि B की वैल्यू बतानी है, तो ये वायर से आप स्ट्रेट डिस्टेंस लेंगे
और ये स्टेट डिस्टेंस क्या होगा, ये स्टेट डिस्टेंस होगा आर, मान लो आर। तो इनफाइनाइट वायर है तो बी का मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, म्यू नॉट बाय 4π2 करंट आई डिवाइडेड बाय आर। पर किसी ने कहा सर आर तो गिवन ही नहीं है, तो आपने सीधा डिस्टेंस ले लिया, तो निकाल लो आर की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये परपेंडिकुलर, तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा वाई, ये क्या होगा एक्स, तो आर क्या होगा अंडर रूट ऑफ, ये पुट कर देना तो बी की वैल्यू आ जाएगी। पर प्रॉब्लम ये है कि उसने बी की वैल्यू नहीं पूछी, उसे वेक्टर पूछा है विद डायरेक्शन आई कैप एंड जे कैप। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये बताओ मुझे इसमें बी की डायरेक्शन कैसे होगी, तो कैसे करेंगे, राइट हैंड, राइट हैंड में इनफाइनाइट है ये वायर, 2i/r इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला होता है 4π 2i/r, आर इज द डायरेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम वायर एंड पॉइंट, ठीक। थंब करंट के साथ है अंदर, चार फिंगर घुमाएं, चार फिंगर जब घूमेंगी तो ऐसे घूमेंगी, ऐसे ऐसे घूमेंगी, तो बी वेक्टर की जो डायरेक्शन है देखो वो कैसे बनेगी, बी वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे कुछ बनेगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको, बी वेक्टर ऐसे बनेगा, टेंजेंट, सही है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर बी वेक्टर यहां बनेगा तो बी वेक्टर के कंपोनेंट्स होंगे, पहला कंपोनेंट नीचे की तरफ होगा, एक कंपोनेंट इस तरफ होगा, ऐसे बनेगा। तो मान लो ये एक्स एक्सिस का कंपोनेंट है, मान लो ये वाई एक्सिस का कंपोनेंट है, ऐसे बनेगा। तो जब मैं बी वेक्टर लिखूंगा, बी वेक्टर में एक बात तो पक्की है कि आई कैप पक्का आएगा, क्योंकि बी एक्स एक्स कॉम्पोनेंट के पीछे क्या लगेगा, आई कैप एक्स एक्सिस के लोंगे, और दूसरा कॉम्पोनेंट कहां जा रहा है अलोंग नेगेटिव वाई, तो दूसरे कॉम्पोनेंट वाई कॉम्पोनेंट के पीछे क्या लगेगा, माइनस जे कैप। आगे चलने से पहले ऑप्शन देख लें, आई कैप माइनस जे कैप में आंसर होगा, चलो देखते हैं। तो इसके अंदर पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, इसमें करंट ही नहीं है, सीधा ही गया, पहला नहीं हो सकता। दूसरा, दूसरे में करंट है लेकिन प्रॉब्लम ये, हमें चाहिए आई कैप माइनस जे कैप, हाँ सही है, आई कैप माइनस जे कैप नहीं है, ये भी गया ये भी गया, दो गए, आई कैप माइनस जे कैप, हाँ। अब हमें फैसला करना है बी और डी में क्या आंसर है, सही है यहां तक, आई कैप और माइनस जे कैप सेम है, नहीं भाई ये इल्यूजन है, आई का कोफिशियंट एक्स है, आई का कोफिशियंट वाई है, तो फैसला करें इसमें क्या आंसर है। तो इसके लिए काम करना है आपने, इसके लिए जैसे सपोज करो, सपोज करो ये एंगल थीटा है, और अगर ये एंगल थीटा है तो मुझे पता है कि मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंट ड्रॉ करके ऐसा आया होगा सर्कल के ऊपर, मेरी फिंगर्स ऐसे गई होंगी, टेंजेंट ऐसे है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट है, और ये रेडियस है, रेडियस और टेंजेंट के बीच में टोटल एंगल क्या होता है 90। अब मैथ्स के अकॉर्डिंगली राइट एंगल ट्राइंगल में ये थीटा, ये 90, तो ये कितने 90 माइनस थीटा, और ये 90 डिग्री पे है, तो ये एंगल कितने है थीटा, तो ये थीटा आ गया। तो बी के दो कॉम्पोनेंट्स होंगे, नीचे की तरफ बी कॉस थीटा और यहां पर बी साइन थीटा, तो नेट बी की वैल्यू क्या आएगी, बी साइन थीटा के पीछे आई कैप और बी कॉस थीटा के पीछे माइनस जे कैप, राइट। बी का फॉर्मूला हम निकाल ही चुके हैं, म्यू नॉट बाय 4π 2i/r, और r को एंड में क्या पुट करेंगे, अंडर रूट ऑफ x² + y²। अब रह गया साइन थीटा, देखो जो साइन थीटा है इस ट्राइंगल में, बोलो साइन थीटा क्या है, ये y कोऑर्डिनेट है और ये x कोऑर्डिनेट है और ये r है, तो साइन थीटा क्या पुट करेंगे, y डिवाइडेड बाय r, या y डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ x² + y² और ऐसे ही cos थीटा क्या पुट करेंगे, cos थीटा में क्या पुट करेंगे, cos थीटा क्या होगा x डिवाइडेड बाय r। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक, पर इतना करने की जरूरत ही नहीं है, आप बस मुझे ये बताओ कि साइन थीटा की वैल्यू में न्यूमिनेटर में क्या कौन आएगा, वाई, तो वाई इंटू आई कैप का ऑप्शन क्यों ढूंढ लेते, पूरा सॉल्व करके क्या करोगे, वाई आई कैप चेक करो बी और डी ऑप्शन में से, वाई आई कैप, और ऐसी कॉस थीटा में क्या होगा, एक्स
अपॉन आर, तो यहां पर क्या होगा एक्स अपॉन आर, तो एक्स माइनस जे कैप। तो ऑप्शन चेक करें, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ये देखो वाई आई कैप एक्स जे कैप, बी आंसर है इसका। समझ में आ रहा है यहां तक कैसे करना है? ठीक, ऑनलाइन क्लियर है? यस यस। थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन है, टू चार्ज्ड पार्टिकल्स ट्रेवर्स आइडेंटिकल हेलिकल पाथ इन कंप्लीटली ऑपोजिट सेंस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, और बी नॉट के कैप है, तो जेड एक्सिस के लॉन्ग है बी, और क्वेश्चन में गिवन है कि पार्टिकल किस में मूव कर रहे हैं, इन हेलिक्स, लेकिन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। यानी कि अगर मैं इधर से मैग्नेटिक फील्ड बी है, तो जैसे सपोज करो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जेड एक्सिस में बी है, तो मान लो ये के कैप है, तो ये रहा बी के कैप, तो एक पार्टिकल इस हेलिक्स में ऐसे जा रहा है और दूसरा पार्टिकल इन स्टेड की आगे जाए, वो पता है कैसे जा रहा है, वो उल्टा पीछे जा रहा है, एक आगे जा रहा है और एक पीछे जा रहा है उसी मैग्नेटिक फील्ड में, और दोनों को वी के साथ छोड़ा गया था। क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, बट वेलोसिटी डिफरेंट गिवन नहीं है और वेलोसिटी के बारे में कुछ पूछा भी नहीं है, तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि वेलोसिटी सेम है, तो डायरेक्शंस दोनों की उल्टी है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, सब कुछ वी भी सेम है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी अज्यूमिंग सेम है, तो ये उल्टा गया क्यों? क्या दिमाग में आ रहा है? एक चार्ज पॉजिटिव होगा और एक चार्ज नेगेटिव होगा, क्योंकि अगर पॉजिटिव क्लॉकवाइज जाएगा तो नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। ये बात समझ में आती है? जब ये बात आती है तो पहली चीज माइंड में आती है कि एक इलेक्ट्रॉन होगा और दूसरा प्रोटोन होगा। गलत नहीं हो, मैं भी ऐसे सोचता हूं, पर एक्चुअल में ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ऐसा जरूरी थोड़ी है कि एक प्रोटोन होगा एक क्या इलेक्ट्रॉन होगा, क्या पता एक क्यू पॉजिटिव हो एक क्यू नेगेटिव हो। भाई चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, क्योंकि रेडियस सेम है, सबको तो सेम है, रेडियस भी सेम है, बी भी सेम, उसे चेंज करने बोला ही कुछ नहीं, सिर्फ डायरेक्शन बोली है। तो अब सब कुछ सेम है, रेडियस भी सेम है, तो ऐसा लगता है कि चार्ज भी सेम होगा, क्योंकि अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है तभी रेडियस सेम है ना, नहीं जरूरी नहीं है। अगर चार्ज डिफरेंट हुआ Q1 Q2 तब भी रेडियस सेम आ सकता है, ऐसा क्यों? क्योंकि हेलिक्स में जो रेडियस होता है वो सिर्फ चार्ज पे डिपेंड करता ही नहीं, वो चार्ज के मास पे भी डिपेंड करता है। हो सकता है किसी का चार्ज ज्यादा हो और किसी का कम हो, लेकिन मास उसका कम हो और मास ज्यादा हो, तो इसलिए रेडियस जो है वो कभी भी चार्ज पे डिपेंडेंट नहीं बोलना, कभी भी मास पे डिपेंडेंट नहीं बोलना, रेडियस हमेशा मास टू चार्ज रेशियो पर डिपेंड करता है। या उल्टा भी ट्रू है, मास को नीचे ले आओ, रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज टू मास रेशियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप इस फॉर्मूला बुकलेट में नोट कर लें कि रेडियस चाहे वो सर्कल में घूमे या ना घूमे, जो रेडियस है वेलोसिटी बी क्यू अपॉन मास, तो रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज बाई मास रेशियो।
या चार्ज बाय मास रेशियो को स्पेसिफिक चार्ज भी बोला जाता है। स्पेसिफिक चार्ज का मतलब चार्ज टू मास रेशियो, कभी नहीं बोलना अकेला चार्ज, कभी नहीं बोलना अकेला मास, क्या बोलेंगे, रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज बाय मास रेशियो। आपको क्वेश्चन के अंदर ऐसा लगेगा कि मैं अकेला चार्ज का ऑप्शन मार्क कर दूं, देगा वो जरूर आपको, आपको क्वेश्चन जो अट्रैक्ट करेगा कि यार ये आंसर है चार्ज है, नहीं चार्ज टू मास, मास के साथ कैलकुलेशन होनी है, राइट। अब ये कौन कहता है जी इलेक्ट्रॉन प्रोटोन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटोन का चार्ज तो सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, मास की क्या गारंटी है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन प्रोटोन तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि अगर रेडियस सेम करना है तो चार्ज टू मास की रेशियो क्या होनी चाहिए, सेम। और अगर डायरेक्शन ऑपोजिट करनी है तो चार्ज टू मास रेशियो एक पॉजिटिव होगी और एक नेगेटिव होगी, तो मैग्नीट्यूड इनका सेम होगा पर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगी, इसलिए इनका जो नेट सम आना चाहिए चार्ज टू मास रेशियो का, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, क्या आना चाहिए, जीरो। तो आंसर नंबर डी है कि इसमें छुपा हुआ है नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, आंसर जीरो। हालांकि ये ऑप्शन भी आपको अच्छे लगेंगे, दे हैव इक्वल जेड कॉम्पोनेंट्स ऑफ मोमेंटम, भैया मोमेंटम पे रेडियस डिपेंड कहां करता है, आर एम वी पे डिपेंड ही नहीं करता, आर हमेशा चार्ज बाय मास पे डिपेंड करता है, और वैसे भी वेलोसिटी के बारे में मेंशन ही नहीं है, तो यहां पर अकेला मास मैटर नहीं कर रहा, तो मोमेंटम तो बिल्कुल भी आंसर नहीं है। दे मस्ट हैव इक्वल चार्जेस, अकेले चार्ज पे फैसला हो ही नहीं सकता रेडियस सेम होने का, चार्ज टू मास रेशियो तो ये तो बिल्कुल दिखना ही नहीं है ऐसे तो। दे मस्ट रिप्रेजेंट अ पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर, पार्टिकल एंटी पार्टिकल इलेक्ट्रॉन प्रोटोन है, न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव और सेम चार्ज, क्या जरूरी है, मैं तो कह रहा हूँ इलेक्ट्रॉन प्रोटोन भी नहीं है, Q1 Q2 लो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, नहीं जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है इनकी चार्ज टू मास रेशियो का सम जीरो होगा, तभी ये एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, क्योंकि एक पॉजिटिव रिजल्ट देगा और एक नेगेटिव देगा, राइट, क्लियर है यहाँ तक, ऑनलाइन क्लियर है सर, एक थर्ड पॉइंट समझा दो। थर्ड पॉइंट, दे मस्ट रिप्रेजेंट पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर, जैसे एक ई है तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन है तो दूसरा पक्का प्रोटोन होगा ही होगा, चार्ज दोनों का बराबर होगा, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव जरूरी नहीं है, एक Q1 चार्ज है Q2 चार्ज है, Q1 पॉजिटिव Q2 नेगेटिव, लेकिन फिर भी Q बाय M की रेशियो दोनों की सेम है, Q1 M1 Q2 M2, तो चार्ज टू मास रेशियो सेम होने के लिए जरूरी नहीं है कि चार्ज सेम होगा, चार्ज डिफरेंट भी हो सकता है, तो पार्टिकल एंटी पार्टिकल होंगे नहीं होंगे कह नहीं सकते, क्लियर है यहां तक, यस सर। नेक्स्ट, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी विद डिस्टेंस आर फॉर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट, आपने फॉर्मूला बुक में लिखा हुआ है, इनफाइनाइट वायर का बी का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट बाय 4π2i/r, तो बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, हाइपरबोला, ये रहा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें प्लीज, कितने को समझ में आ रहा है ये बताएं, ए ऑप्शन होगा इसका,
कितने लोगों को फिफ्थ क्वेश्चन समझ में आया? कितने को समझ में आया? फिर हाथ खड़ा करो ऑनलाइन, कितने को समझ में आया? देखो बायर्स लॉ में इंडिकेट्स दैट मूविंग इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड बी. देखो मूविंग इलेक्ट्रॉन बी जनरेट करता है, इतना मैंने आपको बताया. मूविंग इलेक्ट्रॉन बी जनरेट कहां करता है, कैसे करता है, ये मैंने नहीं बताया. तो अगर हवा में आप मुझे कहो कि सर देखो जी वो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन बीम जा रही है, बी कैसे होगा, मुझे नहीं पता बी कैसे होगा. आप हवा में इलेक्ट्रॉन्स को फेंक दो यहाँ पर और एक्सेलरेट करवाओ, कोई इधर जा रहा है कोई इधर, आप पूछे बी क्या, मुझे नहीं पता बी क्या होगा. हमने अभी तक इलेक्ट्रॉन की मोशन सिर्फ और सिर्फ वायर में देखी है. हवा में उड़ते हुए चार्ज को हमने मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल में मूव करवाया, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वो उस इलेक्ट्रॉन या प्रोटोन की वजह से कभी नहीं होता. हम अपना भी यूज करते हैं, उसमें चार्ज पार्टिकल को फेंकते हैं. तो अगर आप ये पूछो कि सर हम अपना बी बंद कर देते हैं, अब हवा में चार्ज पार्टिकल को मूव करवाओ तो उसका भी तो बी होता होगा, वो मैंने नहीं आपको बताया कि कैसे होता है. राइट, क्लियर है? तो इसलिए इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है. पर हाँ एक केस आपको आता है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन वायर में मूव करे तो वो करंट पैदा कर देगा, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन नीचे जाए तो करंट ऊपर पैदा करेगा. हाँ अब मैं समझ सकता हूँ कि अगर करंट इलेक्ट्रॉन ने पैदा किया वो अपने आसपास बी जनरेट करेगा, तो बी कैसे जनरेट करेगा, ऐसे टेंजेंट इस प्लेन में करेगा. और करंट कैसे या वेलोसिटी कैसे इलेक्ट्रॉन की, नीचे. बी किस प्लेन में, इस प्लेन में. तो ये प्लेन और इसमें एंगल क्या है, 90. तो वी परपेंडिकुलर टू बी होगा. राइट, पर अगर आप मुझे ये कहो कि आप सर वायर में से इलेक्ट्रॉन निकाल दो, अब भी बताओ क्या होगा, मैं नहीं बता सकता अभी भी क्या होगा. पॉइंट समझ में आ रहा है? क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन या चार्ज पार्टिकल का प्रोड्यूस करने का बी का तरीका डिफरेंट है. हो सकता है कोई चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और वो बी जनरेट करे साइनोसाइडल वेव्स की तरह. कोई स्ट्रेट लाइन जनरेट करे, पता नहीं कैसे जनरेट करेगा. तो इसलिए उसके बारे में कोई कमेंट नहीं, हमें एक ही आता है. तभी उसने स्पेशली क्या मेंशन किया, भाई ज्यादा मत सोचना, बायट सर्वेट लॉ सोचना, करंट कैरिंग वायर लेना, ये कहना चाहता है. ठीक, तो आपको हर चार्ज पार्टिकल का बी निकालना नहीं आता, मेरे को भी नहीं आता, बस वायर में आता है. नेक्स्ट, सिक्स्थ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर प्रोड्यूस्ड पॉइंटिंग इन सेम डायरेक्शन. इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में. इफ एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड विद इट्स वेलोसिटी पॉइंटिंग इन सेम डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन भी साथ में चल पड़ा, इलेक्ट्रॉन भी इधर, ई भी इधर, बी भी इधर, तो आपको क्या निकालना है, आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन क्या अपनी वेलोसिटी डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा. एक बात बताओ कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, एक पहले आगे पढ़ने से पहले एक चीज और बताओ, चार्ज पार्टिकल पे क्या मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा, चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स लगेगी इसमें, हाँ या ना, कितनी लगेगी, बी क्यू वी साइन थीटा, थीटा क्या है इसमें, जीरो, क्योंकि पार्टिकल की वेलोसिटी भी इधर है, वी भी इधर है, तो फोर्स कैसे लगेगी, साइन जीरो क्या होता है, जीरो. तो हमने किया था फर्स्ट लेक्चर में, अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ मूव करे तो इट एक्सपीरियंसेस नो फोर्स, तो मैग्नेटिक तो नहीं लगाएगा, इलेक्ट्रिक लगाएगा, लगाएगा कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर राइट है तो कहीं ना कहीं यहां पर पॉजिटिव है, कहीं ना कहीं यहां पर नेगेटिव है. तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है जो इधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, पर आपने इसको कैसे फेंका, इस तरफ, तो नेगेटिव प्लेट इस नेगेटिव को रिपेल करेगी, तो स्पीड बढ़ेगी नहीं, स्पीड कम होगी, तो सही बोल रहे हैं ना, डिक्रीज इन स्पीड. ठीक है यहां तक. नेक्स्ट है सेवंथ क्वेश्चन, किया हुआ है या नहीं किया हुआ, अगर किया है तो क्या फॉर्मूला किया है, बी डैश इज इक्वल टू एन स्क्वायर बी.
ये बताया था, ये हमने क्लास में किया हुआ है, कैसे अगर आपके पास एक वायर है जिसकी लेंथ एल है, करंट उसमें आया है, अगर आप उसे सर्कल में एक लूप बनाएं तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे भी है, और अगर आप उसी लेंथ में छोटे रेडियस के कई सर्कल बनाएं, एन सर्कल बनाएं, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? तो मैंने बताया था इसका प्रूफ करके, तो आंसर एन स्क्वायर होता है। तो यहां पर हमने कितने लूप बनाए? तीन, तो तीन का स्क्वायर क्या है? नौ, आंसर नाइन टाइम्स आएगा। तो सीधा इसमें नाइन टाइम लिख दो, बात खत्म, राइट। अगला क्वेश्चन सिर्फ नॉन मेडिकल के लिए है, मेडिकल के लिए नहीं है, बस मेडिकल वाले नेक्स्ट करें, नॉन मेडिकल इसको देख लें प्लीज, मेडिकल वाले बस इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा यही देख लें, कैसे करना है वो चाहिए नहीं होगा उनको, क्या दो केसेस हैं बस ये देख लें कि केसेस क्या है। इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा? मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ वायर ऑफ एन टर्न्स ऑफ रेडियस आर व्हिच कैरी द करंट आई इज मेजर्ड ऑन एक्सिस ऑफ कॉइल एट अ डिस्टेंस एच फ्रॉम द सेंटर। क्या कौन सा केस है ये? ना इनफाइनाइट तो बोला नहीं उसने वर्ड, इनफाइनाइट वायर का केस नहीं है, कौन सा केस है? कौन सा? रिंग का? रिंग का कहां पर? रिंग का कौन सा? सेंटर पे? एक्सिस पे? एक्सिस पे, बिल्कुल सही। रिंग का फॉर्मूला है, वो कह रहा है जी ये रिंग है, मैग्नेटिक फील्ड कहां निकालना है? इस रिंग के परपेंडिकुलर नॉर्मल पे। नॉर्मल कहां मिलेगा इसका? यहां मिलेगा। तो इसमें करंट कैरिंग लूप है,
यहां पे आपको बी निकालना है, कहां? एट अ डिस्टेंस ऑफ एच, तो रिंग का फॉर्मूला लगेगा। और दूसरा फॉर्मूला क्या लगेगा कि दिस इज स्मॉलर देन मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर बाय फ्रैक्शन। सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला सबको आता है, बी इज म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई बाय आर। एक्सिस के ऊपर आता है, एक्सिस पे फील्ड ज्यादा होगा कि सेंटर पे ज्यादा होगा? एक्सिस पे ज्यादा होगा कि सेंटर पे ज्यादा होगा? सेंटर पे होगा भाई, यदि दूर जाओगे कमी तो होगा। तो कह रहे हैं कि सेंटर पे अगर मैग्नेटिक फील्ड बी वन है, एक्सिस के ऊपर बी टू है, बी टू छोटा है, तो मान लो अगर आप एच डिस्टेंस दूर चले गए तो बी कम हो गया, तो कितने फ्रैक्शन से कम हुआ ये बताओ। ठीक, तो ये बताओ कि सेंटर के ऊपर बी का फॉर्मूला ये है और एन नंबर ऑफ टर्न्स है तो एन से मल्टीप्लाई, एक्सिस के ऊपर बी का फॉर्मूला ये करवाया गया था इनटू एन से मल्टीप्लाई, दो फॉर्मूलास, ये बड़ा है ये छोटा है, तो इसमें फ्रैक्शनल चेंज क्या होगा? चेंज क्या होगा? बी वन माइनस बी टू, ओरिजिनल कितना था बी वन, ये निकालना है आपको फ्रैक्शनल चेंज कितने हैं, राइट? तो बी वन बाई बी वन वन, तो आपको रेशियो निकालनी है बी टू और बी वन की। अब बी वन और बी टू पता है, इनकी रेशियो निकाल ली, रेशियो में सब कट जाएगा ये बचेगा। मैथ के लोग जानते हैं, मेडिकल वालों को नहीं करना है, आएगा नहीं। बाइनोमियल, बाइनोमियल में ये टर्म इससे क्या करनी है, मल्टीप्लाई, वो दो टर्म तक एक्सपैंड करना है, तो ये आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली। इस बी टू बाई बी वन को उठा के यहां पुट करके सॉल्व करके ऑप्शन मार्क करना आंसर आएगा। तो पॉइंट यहां तक समझ में आ रहा है नॉन मेडिकल के लिए, मेडिकल के लिए नहीं है, एनसीईआरटी के लिए भी नहीं है। नाइन्थ क्वेश्चन सबके लिए किया हुआ है, वैसे ही नाइन्थ क्वेश्चन किया हुआ है। बैट सबिट लॉ का पहला क्वेश्चन यही था, नोट्स में था। सर एट क्वेश्चन का वो जो फॉर्मूला है वो याद करना है। किसका? एट नहीं, एट आपको करना नहीं है, वैसे भी फॉर्मूला एक्स नहीं करना उसका आंसर, आंसर नहीं, आपको आंसर देख लो, नजर मार लो, वैसे मैं मेडिकल में एक्सपेक्ट नहीं करता है, आएगा नहीं। बाइनोमियल वाले क्वेश्चन कहाँ आते हैं मेडिकल में, नीट में मैंने कभी देखे नहीं आते हुए, नहीं आते। ओके सर, बहुत बेसिक आया है यार मेडिकल पर, तो बेसिक ही आता है, तो बस ये है कि क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, इतनी सी बात है। एलिमेंट डीएल डीएक्स आई कैप, जब डीएक्स 1 सेंटीमीटर है, इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन एंड कैरीज अ लार्ज करंट आई 10 एम्पियर। तो आई कैप का मतलब एलिमेंट कहां पर है, एक्स एक्सिस पे है, करंट 10 एम्पियर है और एलिमेंट की लेंथ गिवन है 1 सेंटीमीटर। आपको बी कहां निकालना है, वाई एक्सिस पे एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5। बैट सबट लॉ, डीएल और इस वाई में एंगल क्या है, 90, तो बी इज म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल साइन 90 बाय आर स्क्वायर। यार पता है ये डीएल पता है आंसर, ये किया हुआ है हमने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग लॉन्ग सोलेनोइड। तो सोलेनोइड के एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो एक बात बताओ, अगर सोलेनोइड का एक्सिस पे बी ये रहा, एक्सिस के ऊपर होता है बी, तो इलेक्ट्रॉन भी बी के साथ जा रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी, जीरो। तो इलेक्ट्रॉन विल कॉन्टिन्यू टू मूव विद सेम वेलोसिटी, क्योंकि जब फोर्स जीरो है तो एक्सीलेशन भी जीरो है, तो उसको कोई फोर्स तो लगाएगा नहीं, वो जैसे आया था वैसे का वैसा ही चलता जाएगा, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी आंसर, राइट। नेक्स्ट, क्या हमने किया हुआ है, किया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड की वेरिएशन ड्रॉ करनी है, स्ट्रेट रॉड, मोटी रॉड है, और उस वायर के अंदर, उस वायर के बाहर, तो बी की वैल्यू वायर के अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होती है,
और बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होती है डी आर। अब यह चेक कर सकते हो, हमने किया था एमपीएस सर्ट लॉ के एप्लीकेशन में, आपने फॉर्मुला प्रोग्राम में नोट भी किया था ये डायग्राम। ठीक, नेक्स्ट वाउंड सोलेनोइड 80 सेंटीमीटर लॉन्ग, 80 सेंटीमीटर लॉन्ग का मतलब लेंथ कितनी है 80 सेंटीमीटर है, हैज फाइव लेयर्स ऑफ वाइंडिंग ऑफ 400 टर्न्स ईच। तो पांच लेयर ऑफ वाइंडिंग है। मुझे एक बात बताओ, एक वाइंडिंग में 400 टर्न है, पांच वाइंडिंग में दोनों को मल्टीप्लाई करो 2000 टर्न्स है। The diameter of the solenoid given है, length given है, तो अगर length given है और number of turns given है तो आप easily क्या निकाल सकते हो, number of turns per unit length। अगर center पे B क्या होगा, mu not n i, कुछ करना ही नहीं है। Diameter solenoid का मुझे चाहिए ही नहीं है, ऐसे दिया हुआ है, चाहिए ही नहीं आंसर, राइट, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, करंट ऑफ i एम्पियर फ्लोज अलोंग इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट थिन वॉल्ड ट्यूब, एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है, उस ट्यूब के सरफेस में से आई करंट जा रहा है। अब हमने एक रिजल्ट किया था लास्ट टाइम, फॉर्मूला बुकलेट में नोट भी किया था, किसी भी ट्यूब जो अंदर से हॉलो है, बी की वैल्यू उसके अंदर क्या होती है, आंसर जीरो, राइट, क्लियर है यहां तक, लास्ट टाइम किया था भी। नेक्स्ट, देखो, ड्यूट्रॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज डिस्क्राइबिंग अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस गिवन। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन दैट डिस्क्राइब द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस गिवन इन द सेम प्लेन विद सेम मैग्नेटिक फील्ड इज व्हाट। तो क्या फॉर्मूला लगेगा, ये किया था फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ 2m, ये काइनेटिक एनर्जी है k, तो ये फॉर्मूला लगेगा इसमें। इस फॉर्मूले में कह रहे रेडियस सेम है 0.5 और 0.5, पार्टिकल एक ड्यूट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, इक्वेट कर दो तो आपको एक की एनर्जी गिवन है, आपको दूसरी की एनर्जी निकालनी है। मास आपको पता है प्रोटॉन ड्यूट्रॉन का रिलेशन क्या होता है, ट्वाइस होता है, मास कट जाएगा, और बी सेम है, चार्ज सेम है, आंसर राइट। ढूंढने पड़ेंगे क्वेश्चन, ये घर जाके ना बुकलेट और अपने ऑब्जेक्टिव बुक्स उठाओ और उसमें मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट है,
प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल एंटर मैग्नेटिक फील्ड विद सेम वेलोसिटी, रेशियो ऑफ सर्कुलर पाथ, रेशियो ऑफ सर्कुलर पाथ में रेडियस किस पे डिपेंडेंट है, मास बाय चार्ज या चार्ज बाय मास रेशियो, तीनों पार्टिकल का मास और चार्ज पता है, डिवाइड करके आंसर आएगा, किया हमने क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट, प्रोटोन जिसका मास क्या है गिवन है, चार्ज क्या है गिवन है, स्पीड क्या है गिवन है, एट एन ऑफ 60 डिग्री टू दी एक्स एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस है, ये वेलोसिटी है और एंगल क्या है इनके बीच में 60। मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है, वाई एक्सिस में है, ये बी वेक्टर है, तो ये पार्टिकल किस में मूव करेगा, हेलिक्स, क्योंकि वी और बी में एंगल 90 नहीं है, तो वी और बी में एंगल क्या है 30, कंफ्यूज करने के लिए 60 दिया उसने, लेकिन 60 एंगल बी के साथ थोड़ी ना दिया, 60 एंगल किसके साथ दिया, एक्स के साथ, हमें किसके साथ चाहिए, तो क्या लेंगे थीटा यहां पर 30, तो ऐसे बनेगा हेलिक्स ऊपर की तरफ, कंफ्यूज करने के लिए, समझ में आया क्या किया उसने, क्लियर है यहां तक, तो क्या निकालना है इसमें, रेडियस निकालना है, लगा लेना एम वी, फॉर्मूला क्या लगेगा, रेडियस ऑफ हेलिक्स क्या होता है बोलो, आर इज इक्वल टू हाँ एम वी साइन थीटा बाय बी क्यू, तो साइन थीटा में थीटा इज इक्वल टू 30, तो चेक कर लेना, टाइम पीरियड चेक करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी ये आंसर हो नहीं सकता, सर्कल हो नहीं सकता, सर्कल हो नहीं सकता, बनेगा तो हेलिक्स, रेडियस निकाल लेना, टाइम पीरियड दोनों में सेम है, और रह क्या गया, रेडियस का फॉर्मूला आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, दो चार्ज पार्टिकल्स है एम और एन, ये रे एंटर करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, सर्कल की तरह मूव करते हैं, द पाथ एज शोन, इस क्वेश्चन को देखते हुए पहला क्वेश्चन है, ऑप्शन है, चार्ज एम का बड़ा है एन से, तो कैसे डिसाइड करते हो चार्ज, इस फोटो को देख के चार्ज बड़ा है छोटा, तुम्हें क्या पता, कर पाओगे कैसे करोगे बताओ, रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, क्योंकि रेडियस क्या होता है एम वी बाय बी क्यू, मैंने आधे घंटे पहले ये तो सिखाया था, चार्ज अकेला नहीं देखना, चार्ज बाय मास देखना है, वो ट्रैप फसाएगा ही फसाएगा चार्ज के साथ, ट्रैप लगाएगा लगाएगा मास के साथ, चार्ज और मास रेशियो, मैं कहता हूँ क्वेश्चन भी ना रीड करो, मेरे को क्वेश्चन दोगे ना मेरा ध्यान ही स्पेसिफिक चार्ज पे जाएगा, स्पेसिफिक चार्ज का मतलब चार्ज टू मास रेशियो, पता ही आंसर आने वाला है, तो बाकी तो बेकार है, चार्ज चूर्ज कैसे, ये देखो किसका रेडियस बड़ा है, एन का, एन बड़े चक्कर में है, एम छोटे चक्कर में है, तो रेडियस किसका बड़ा है, एन का गिवन है, रेडियस किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, चार्ज बाय एम स्पेसिफिक चार्ज, तो जिसका रेडियस बड़ा है एन का, उसका चार्ज टू मास रेशियो छोटी है, तो आंसर आ तो गया यारी एन की छोटी है एम से, तो कैसे डिसाइड करना, समझ में आ रहा है यहां तक। नेक्स्ट, एक पार्टिकल है मास एम चार्ज क्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हुआ है रेस्ट पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी कितनी, क्यू ई, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेगा क्यू ई बाय एम, तो कह रहे हैं कि इस केस में काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ वाई क्या होगी, क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं, एक काम करो आप वेलोसिटी निकाल दो आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ वाई, तो एक्सेलरेशन पता है वी स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर इज टू ए वाई, ए की वैल्यू पुट करके वी स्क्वायर आ गया, काइनेटिक एनर्जी क्या है हाफ एम वी स्क्वायर आंसर आ गया, नहीं करना मत करो, सीधा बोलो फोर्स कितनी लग रही है क्यू ई, डिस्प्लेसमेंट कितनी है वाई, वर्क डन कितना है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वही काइनेटिक एनर्जी है, काम खत्म, आंसर पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, जैसे मर्जी कर लो एक ही बात है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं मेंस के अंदर आपको मिलेंगे और नीट के अंदर बहुत मिलेंगे,